हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी गुड। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम। सो इंडोक्राइन सिस्टम में जो भी ग्लैंड्स आती हैं, सच एज पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, थायमस, पैनक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते रहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम, व्हाट इज़ अ इंडोक्राइन सिस्टम? So the endocrine system is the collection of glands of an organism that secrete hormones directly into the circulatory system. इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? जो कि बहुत सारी ग्लैंड्स को कलेक्ट करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम में बहुत सारी ग्लैंड्स का कलेक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड इंडोक्राइन सिस्टम। ये ग्लैंड्स जो होती हैं वो कोई ना कोई हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, जो कि डायरेक्टली हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में सर्कुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हार्मोन्स इज डिफाइंड एज द सिक्रीशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच इज ट्रांसपोर्टेड टू अ साइट डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन वेयर इट प्रोड्यूस इट्स एक्शन। फ्रेंड्स, जो इंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं इनमें बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, एंड ये जो ग्लैंड्स हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं, ये हार्मोन्स वहाँ पे पहुँचा दिए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे इन हार्मोन्स की ज़रूरत होती है, जहाँ पे इनका एक्शन होता है, वहाँ पे रिफर कर दिए जाते हैं उस साइट पे। सो नेक्स्ट, द मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द बॉडी आर। जो मेजर इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये देख लिया इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, जो कि बहुत सारे ग्लैंड्स को कलेक्ट करता है, जो और ये जो ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। बट नाउ हम लोग देखेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, पाइनियल बॉडी, पैनक्रियास, थायमस, ओवरीज एंड टेस्टिस। फ्रेंड्स, ये ग्लैंड्स होती हैं वो इंडोक्राइन सिस्टम के अकॉर्डिंग आती हैं। सो नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। सो द पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड फ्रेंड्स जो होती है उसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इट इज़ अ कॉल्ड आल्सो मास्टर ग्लैंड ऑफ द इंडोक्राइन सिस्टम। दिस इज बिकॉज इट कंट्रोल्स मैनी अदर हार्मोन्स ग्लैंड्स इन द बॉडी। फ्रेंड्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसको हम मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो भी हमारी बॉडी में जो अदर जो ग्लैंड्स होती हैं उनके हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करने का वर्क करती है, इसलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज विदाउट इट द बॉडी वुड नॉट रिप्रोड्यूस, वुड नॉट ग्रो properly and many other bodily function just were not functions. फ्रेंड्स, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड सही से वर्क नहीं करती है तो हमारा जो बॉडी होती है, बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो सही से नहीं हो पाते हैं और हमारी बॉडी प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाती है। नेक्स्ट इज साइज एंड लोकेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज एंड लोकेशन क्या होता है? फ्रेंड्स, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ब्रेन में लोकेट रहती है, ब्रेन में प्रेजेंट होती है बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पैनियल ग्लैंड। जो हाइपोथैलेमस होता है एंड पैनियल ग्लैंड होती है इसके बिटवीन पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, लोकेटेड होती है जस्ट बिहाइंड द ब्रिज ऑफ द नोज। एंड जो नोज होती है इसके जो नोज का जो ब्रिज है इसके जस्ट पीछे की ओर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। फ्रेंड्स, इट इज़ अबाउट द साइज इज़ अ पी। जो एक मटर यानी कि जो पी का साइज होती है वैसा ही हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का साइज होता है। एंड इज अटैच टू ब्रेन बाई ए थिन स्टेम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व सेल्स। जो पिट्यूटरी ग्लैंड सेल्स होती है वो ब्रेन में एक स्टेम जो ब्लड वेसल है उसकी स्टेम के द्वारा अटैच्ड रहती है। द फ्रंटल लोब इज बिगेस्ट पार्ट ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी का जो फ्रंटल लोब होता है वो बिगेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ टू लोब्स। पिट्यूटरी ग्लैंड के फ्रेंड्स जो होते हैं वो टू लोब्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी पोस्टीरियर लोब एंड एंटीरियर लोब। सो पिट्यूटरी ग्लैंड हैज़ टू लोब्स। नेक्स्ट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यानी कि जो एंटीरियर लोब है उसके बारे में जानते हैं।
इट इज़ अबाउट 75% ऑफ टोटल वेट ऑफ द ग्लैंड. जो एंटीरियर लोब होता है उसका जो वेट होता है वो 75% टोटल वेट में से 75% होती है एंटीरियर लोब. द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द ग्लैंड्स इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं. फ्रेंड्स, 75% है वो एंटीरियर लोब है एंड रिमेनिंग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. इट इज़ आल्सो कॉल्ड एडिनोहाइपोफाइसिस. फ्रेंड्स, जो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं. नेक्स्ट इज इट सीक्रेट सेवरल हार्मोन्स दैट रेगुलेट सेवरल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूड स्ट्रेस ग्रोथ रिप्रोडक्शन एंड लैक्टेशन. फ्रेंड्स, ये क्या करती है, ये सेवरल हार्मोन्स को रेगुलेट करती है जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि स्ट्रेस ग्रोथ रिप्रोडक्शन लैक्टेशन इनमें क्या होते हैं, इन सबको रेगुलेट करता है. नेक्स्ट इज हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, हियर यू कैन सी ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे FSH भी बोलते हैं, ल्यूटेनिंग हार्मोन LH, प्रोलैक्टिन एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फ्रेंड्स, इन सब के हार्मोन्स के बारे में अब हम लोग जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ हार्मोन्स, इट इज़ नेसेसरी यानी कि GH हार्मोन. GH हार्मोन क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ. ग्रोथ हार्मोन जो कि ग्रोथ के लिए, नॉर्मली ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है हमारी बॉडी में. एंड आल्सो इट्स डेवलप्ड फ्रॉम अदर नेम इज सोमैटोट्रोपिन. फ्रेंड्स, जो GH हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन है इसको हम सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फ्रेंड्स, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है इसे हम थायरोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं. नेक्स्ट इज एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन. ये क्या करता है फ्रेंड्स, एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है जिससे क्या होता है, जिससे वहाँ पे हार्मोन सिंथेसिस होता है. नेक्स्ट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग जो है वो हमारी जो फीमेल की ओवरी को स्टिमुलेट करती है जिससे क्या होता है, जिससे प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है. एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेन में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है. नेक्स्ट इज ल्यूटेनिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट ओवरी इन प्रोड्यूस प्रोगेस्टेरोन एंड टेस्टिस इन मेल इन प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन. फ्रेंड्स, जो ल्यूटेनिंग हार्मोन होती है वो फीमेल में स्टिमुलेट करती है प्रोगेस्टेरोन हार्मोन को एंड मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्टिमुलेट करती है. प्रोलैक्टिन. फ्रेंड्स, जो प्रोलैक्टिन होती है वो इट रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टेशन. इसमें जो लैक्टेशन यानी कि जो मिल्क प्रोडक्शन करता है, यानी जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है. नेक्स्ट इज मेलानोसाइट. फ्रेंड्स, जो मेलानोसाइट होता है ये स्किन पिगमेंटेशन को इंक्रीज करता है. नेक्स्ट इज डिसऑर्डर ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड. अब हम लोग डिसऑर्डर देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के. सो नेक्स्ट इज सर हाइपरपिट्यूटरिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, जब ज़्यादा हो जाता है यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स की एक्टिविटी जब ज़्यादा हो जाती है तब क्या होता है, इट मे अकर इन द फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल गिगांटिज्म. क्या हो जाता है गिगांटिज्म, ये क्या होता है फ्रेंड्स, कॉज्ड बाय द ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. जब GH हार्मोन यानी कि जो ग्रोथ वाला हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तब गिगांटिज्म हो जाता है इन चिल्ड्रन में. फ्रेंड्स, पर्सन विल बी वेरी टॉल. इस जिससे क्या होता है, गिगांटिज्म हार्मोन के ज़्यादा प्रोडक्शन से क्या हो जाता है, अगर हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस कर देता है तो गिगांटिज्म हो जाता है. अब गिगांटिज्म में क्या होता है, जो चिल्ड्रन होता है या किसी पर्सन जो है वो वेरी टॉल बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, अबाउट 2.25 meters. मसल इज़ आल्सो वेरी लार्ज. और इनकी मसल्स क्या होती हैं, बहुत ही लार्ज हो जाती हैं. नेक्स्ट इज एक्रोमैगली. नेक्स्ट जो हो जाता है वो एक्रोमैगली हो जाता है. फ्रेंड्स, एक्रोमैगली क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. ये भी ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है
एंड वोन बिकम एबनॉर्मली थिक। वोन जो होती हैं वो एबनॉर्मल यानी कि जितना नॉर्मल थिकनेस होती है उससे ज़्यादा बोन की थिकनेस हो जाती है हाथ और पैरों की, हैंड एंड फिट्स की। इन लार्ज वोइंग ऑफ सुपाइन काइफोसिस इज सीन, और हम काइफोसिस जो होता है वो सीन होने लगता है। कसिंग सिंड्रोम, फ्रेंड्स जो कसिंग सिंड्रोम क्या होता है, अकर्स व्हेन योर बॉडी इज एक्सपोज हाई लेवल हार्मोन्स, जब बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो हैं एक्सपोज हो जाते हैं तब क्या होता है, कसिंग सिंड्रोम हो जाता है। कसिंग सिंड्रोम समथिंग कॉल्ड हाइपर कॉर्टिकोसोलेम, फ्रेंड्स कसिंग सिंड्रोम को हम हाइपर कॉर्टिकोसोलेम्स भी बोलते हैं। मे बी कॉज्ड बाय द यूज ऑफ ओरल कार्टिकोस्ट्रॉइड मेडिकेशन। द कंडीशन कैन ऑल्सो अकर व्हेन योर बॉडी मेक्स टू मच कॉर्टिसोल ऑन इट, जब हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगता है, ज़्यादा स्टिमुलेट होने लगता है तब ये हो जाते हैं। नेक्स्ट इज हाइपोपिट्यूटरी हाइपोएक्टिविटी, फ्रेंड्स अब हम लोगों ने लास्ट देखा था कि जब ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से तब गिगांटिस में मैक्रोमेगली एंड कशिंग सिंड्रोम हो जाता है, बट अब हम लोग देखते हैं कि जब कम होता है, जब कम प्रोड्यूस होता है तब क्या होता है, हाइपोएक्टिविटी होती है तब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्वार्फिज्म हो जाता है फ्रेंड्स। ड्वार्फिज्म क्या है, कॉज्ड बाय द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है वो कम जब प्रोड्यूस होता है तो ड्वार्फिज्म हो जाता है, जिससे क्या होता है शॉर्ट नेक हो जाती है, शॉर्ट ट्रंक हो जाता है, शॉर्ट इन आर्म्स एंड लेग्स हो जाते हैं। फ्रेंड्स हियर यू कैन सी शॉर्ट नेक, शॉर्ट ट्रंक, शॉर्ट इन आर्म्स एंड शॉर्ट इन लेग्स। सो इस टाइप से जो है हाइपोविडेंस यानी कि हाइपो एक्टिविटी होती है तब ड्वार्फिज्म हो जाता है। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।